हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनीत एंड वेलकम टू माय चैनल द ऑडिटर। आज की वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, आर टॉपिक विल बी कंसिडरेशंस फॉर कमेंसिंग एंड ऑडिट। इस टॉपिक के बेसिकली तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है बिफोर प्लानिंग एंड बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, ड्यूरिंग प्लानिंग, बिफोर कमेंसिंग द एंगेजमेंट एंड ड्यूरिंग कमेंसमेंट ऑफ द एंगेजमेंट। इस वीडियो में हमारा इसके ऊपर फोकस रहेगा, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आगे वाली वीडियोस में फोकस रहेगा। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि एक ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले और प्लान करने से भी पहले क्या क्या चीजें देखनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऑलरेडी मैंने दो पार्ट्स बनाए हुए हैं, नेमली इनिशियल इंक्वायरीज एंड एसए 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सो इसी हिसाब से हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इनिशियल इंक्वायरीज की। टॉकिंग अबाउट इनिशियल इंक्वायरीज, व्हाट आर दे एग्जैक्टली? इसके अंदर क्या क्या आ सकता है कि आपका ऑडिटर है वो ऑडिटर को बेसिकली वी कैन से एंगेजमेंट पार्टनर शॉर्ट फॉर्म में ईपी, और आपका क्लाइंट, ये दोनों के दोनों जो है आसपास आपस में बातें करते हैं। क्लाइंट बेसिकली बताता है कि सर आपको कौन सा ऑडिट करना है, टैक्स ऑडिट करना है, स्टार्ट ऑडिट करना है एज पर कंपनीज एक्ट, फोरेंसिक ऑडिट करना है, मैनेजमेंट ऑडिट करना है, इंटरनल ऑडिट करना है, कौन सा ऑडिट करना है, वो ईपी को बताएगा। एंड ईपी जो है खुद की और कुछ कंसिडरेशंस देखेगा, लेट इट बी कि क्या पेमेंट होगी, जो कुछ भी बात हो सकती है उसके अलावा और क्या क्या बातें हो सकती है। देखो, अब एक सीए एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग आईसीएआई हैज बीन सेट अप इन इंडिया। इस एक्ट के शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के सेक्शन 8 के हिसाब से एक ऑडिटर को हमेशा प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा इन राइटिंग। राइटिंग के अंदर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज जो ऑडिटर है उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी करार कर दिया जाएगा। सो ताकि ऑडिटर अपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी ना करार करा जा सके, इसीलिए ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करे इन राइटिंग। क्या कम्युनिकेशन कर सकता है? वो ये कम्युनिकेट कर सकता है कि सर आपके रीजंस क्या थे छोड़ने के इस एंगेजमेंट को, आपके हिसाब से ये एंटिटी का नेचर कैसा है, इनकी TCWG दैट इज दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस की नेचर कैसा है, क्या फ्रॉड है, क्या गलत है, आपकी एंगेजमेंट क्यों छूटी, क्या आप खुद डिस्क्वालीफाई हो गए थे, क्या आपने कोई ऐसे रीजन में आके छोड़ दी जिस रीजन की वजह से आपका स्कोप जो है रिस्ट्रिक्ट हो गया था। वो सारे रीजन उसको डिस्कस करने पड़ेंगे प्रीवियस ऑडिटर के साथ। इसके बाद भी ऑडिटर के पास ऑप्शन रहता है, एंगेजमेंट पार्टनर के पास ऑप्शन रहता है कि वो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। अगर अपना एंगेजमेंट पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करता है मैटर, यहीं पर क्लोज। अगर एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद उसको अपना एक एंगेजमेंट लेटर देना पड़ता है। एंगेजमेंट लेटर एज पर द कंटेंट्स डिस्क्राइब्ड इन एसए 210, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। एसए 210 जो है बेसिकली वो लाया ही इसीलिए गया है ताकि एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, एक प्रोफेशनल यार्डस्टिक आए जिसपे हर एक ऑडिटर को एक्ट करना है अपनी एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस करते समय, ठीक है। सो इसके अंदर एक टर्म आती है दैट इज नोन एज प्री कंडीशंस टू ऑडिट या प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। सो प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट देखेंगे क्या होता है।
प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट कहता है कि प्री कंडीशंस कैन बी डिफाइंड एज एज अ यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क in the preparation of the financial statements in the preparation of financial statements and the agreement of management and those charged with governance wherever necessary about the premise on which the audit is conducted. So, dekhenge डेफिनेशन बेसिकली कह क्या रही है. ये डेफिनेशन कह रही है कि प्री कंडीशंस, कंडीशंस लगने से पहले भी एक कंडीशन आ जाएगी. एक ऑडिट की कंडीशन लगने से पहले भी एक कंडीशन है, दैट इज प्री टू द कंडीशंस. प्री कंडीशंस एक ऑडिट की प्री कंडीशंस बेसिकली क्या है कि मैनेजमेंट एक एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए. व्हाट इज एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. एक एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि मैनेजमेंट आप पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है, जो भी आपके प्रेजेंटेशन का फ्रेमवर्क है, आपको वो प्रिपेयर, उसके हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी. लेट अस सपोज कि मैनेजमेंट आपकी कंपनी थी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. सो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो शेड्यूल 3 कि अप्रोप्रिएट डिवीजन के हिसाब से बनेगी, चाहे डिवीजन 1 है चाहे डिवीजन 2 है. अगर आपकी एक एनबीएफसी है तो डिवीजन 3 के हिसाब से बनेगी ऑफ शेड्यूल 3. ठीक है, अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से बनानी पड़ेगी. अगर बैंकिंग कंपनी है तो आपको बैंकिंग कंपनी के हिसाब से बनानी पड़ेगी, जो उनके सेक्शंस के अंदर नोटिफाइड है पीएनएल और उनके बैलेंस शीट का फॉर्मेट. आपको उनके हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी. और मैनेजमेंट पहली चीज तो आप यह करेंगे कि आप अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे. दूसरी बात, ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले ही सबसे पहली बात तो यह आ जाती है कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है. दूसरी बात यह कहती है कि मैनेजमेंट, हम आपसे अग्रीमेंट में आएंगे, हम आपसे डिस्कस करेंगे, आप हमें बताएंगे कि कौन सी प्रिमाइस है जिसके ऊपर ऑडिट को कंडक्ट करना है. प्रिमाइस मतलब क्या, किस चीज को ऑडिट करना है. क्या आपको हमसे इंटरनल ऑडिट करवाना है, क्या आपको हमसे स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना है, क्या आपको हमसे फॉरेंसिक ऑडिट करवाना है, क्या आपको हमसे मैनेजमेंट ऑडिट करवाना है, क्या आपको हमसे ऑपरेशंस ऑडिट करवाना है, कौन सा ऑडिट करवाना है, वो सारी सारी चीजें बताएंगे. प्रिमाइस, क्या आपको आपसे टैक्स ऑडिट करवाना है, फिर कोई भी ऑडिट करवाना है. ऐसा नहीं हो कि पहले आप बोल रहे टैक्स ऑडिट करना, हमने टैक्स ऑडिट भी कर दिया, बाद में आप बोल रहे कि ओह सर सॉरी हमसे गलती हो गई, उस समय आपको बोल नहीं पाया, आपको तो स्टार्ट ऑडिट करना था. ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. दिस इज द प्रिमाइस जिसके ऊपर हमें ऑडिट को कंडक्ट करना है. ठीक है, सो प्री कंडीशंस दो है बेसिकली कि आप मैनेजमेंट आपको एक एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, और आप मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वेयर एवर अप्रोप्रिएट आप उनसे उन प्रमाइस के ऊपर अग्रीमेंट लेंगे जिन प्रमाइस के ऊपर ऑडिट को कंडक्ट करना है. ठीक है, अब ऑडिटर ये कैसे एस्टैब्लिश करेगा कि कैसे कंक्लूड करेगा कि प्री कंडीशंस प्रेजेंट थी. सबसे पहली बात वो ये डिटरमाइन करेगा कि एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया गया है या नहीं बनाया गया है. ठीक है, दैट मींस कि वो डिटरमाइन करेगा कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंपनी ने फॉलो करा है वो अप्रोप्रिएट था भी या नहीं था, वो एक्सेप्टेबल था कि नहीं था, वो एप्लीकेबल था कि नहीं था. ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे कंपनीज एक्ट 1956 के आपके शेड्यूल 6 के हिसाब से बैलेंस शीट बनकर आ रही है, वो चीज नहीं होनी चाहिए. किसके हिसाब से बननी चाहिए, शेड्यूल 3 के हिसाब से बन के आनी चाहिए ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. उसके बाद
सबसे पहली चीज तो ये अपने एक्सेप्टेबल एफआरएफ के लिए कैसे एस्टैब्लिश करेगा, वो ये देखेगा कि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो कर रही है वो एक्सेप्टेबल है। दूसरी बात प्रिमाइस के लिए या फिर और भी किसी चीज के लिए, हर चीज के लिए अग्रीमेंट में आएगा मैनेजमेंट के साथ कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है? वो ये मानती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट क्या एक्नॉलेज करती है कि ये इंटरनल कंट्रोल्स आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल्स आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल्स एस्टैब्लिश करना, इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्रूव करना इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की ड्यूटी से वो सिर्फ यहां तक है कि उसको जो जो इंटरनल कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट टू द ऑडिट उसको उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करनी है और उनपे कॉमेंट करना, कहानी खत्म। ठीक है, सो इंटरनल कंट्रोल्स की एस्टैब्लिशमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स की इंप्रूवमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स का पूरा सिनेरियो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तीसरी बात कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। वॉट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन। एक्सेस टू विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? सच एज योर रिकॉर्ड्स, सच एज योर डॉक्यूमेंट्स एंड एनी अदर मैटर। वट एनी अदर मैटर? सपोज करो आपको स्टार्ट ऑडिट करना है, सो रिकॉर्ड्स कौन कौन से चाहिएंगे? आपको रिकॉर्ड चाहिएंगे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको रिकॉर्ड चाहिएंगे उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल दैट। आपको और क्या क्या चाहिएगा? डॉक्यूमेंट्स भी चाहिएंगे। सो देयर कुड बी एनी अदर मैटर, सच एज अगर आपका लेटर से कोई ऐसा इनवॉइस है जो कि आपके कंसिडरेशन में आना चाहिए। ठीक है, सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट बाय द वे। सो एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड। एंड उसके अलावा एक्सेस टू एडिशनल इंफॉर्मेशन। वॉट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली? दीज आर ऑल दीज इंफॉर्मेशन, ये वो सारी जानकारी है जो एक ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकता है मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट आप हमें ये बात बताओ अपना ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन सब में नहीं बताई थी बट ऑडिटर को चाहिए कि उसको ऑडिट कंप्लीट करने के लिए, उसको ऑडिट कंडक्ट करने के लिए ये वो हर इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कहलाएगी। जैसे लेट अस सपोज ऑडिटर के पास एक डेटर का अकाउंट था, तो डेटर के अकाउंट के अंदर कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स थे जो कि ऑडिटर को चाहिए देखने के लिए कि हाँ भाई ये अकाउंट कैसा है, अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन कैसे, तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैनेजमेंट आप हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दो। ठीक है, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल द पीपल। ये दोनों चीजें कैसे इंश्योर करेगा ऑडिटर? बाय यूज ऑफ एसए 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे करेगा? एसए 505 एक्सटर्नल पार्टीज। ठीक है, वट इज एसए 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बेसिकली वो सारे सारे डिस्क्लोजर, सारे सारे स्टेटमेंट होती है जो मैनेजमेंट एक ऑडिटर को देती है फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट, जहां पर मैनेजमेंट ये शब्द भी इस्तेमाल कर सकती है कि टू द बेस्ट ऑफ आर नॉलेज दिस इज द इन्फॉर्मेशन विच यू कैन प्रोवाइड। ठीक है, मैनेजमेंट ये चीज बोल सकती है। सो ऑडिटर को अगेन अपनी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से काम करना पड़ेगा। वॉट इज एसए 505? इट टॉक्स अबाउट, इट गिव्स द ऑडिटर अ पावर टू टॉक फ्रॉम टॉक विद एक्सटर्नल पार्टीज। ओके, सो टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल पार्टीज, इट कैन बी एनी पर्सन। ओके, हो सकता है एंटिटी का क्रेडिटर हो, डेटर हो, एनी पार्टी इट कैन बी। ओके, सो एक्सटर्नल पार्टीज दैट मीन्स कि कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे एंटिटी का हो चाहे एंटिटी का ना हो, एंटिटी से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ हो, ऑडिटर कैन हैव एक्सेस टू दैट पर्सन। बट हाँ, ऑफकोर्स इसका गलत उपयोग ना उठा ले, इसीलिए एसए 505 में मैनेजमेंट के पास थोड़ी सी पावर है। क्या पावर है?
मैनेजमेंट मना कर सकती है ऑडिटर को, मना करेगी तो वो ऑडिटर को लिख के देगी कि ऑडिटर को मना वो क्यों कर रही है, वो उस पार्टी से क्यों नहीं मिल सकते हैं, और ऑडिटर के बाद उसके बाद पूरी डिसीजन मेकिंग पावर होगी कि वो क्या करना चाहता है इस मैटर के अंदर। सो ये सारी कंडीशन जो है दे नीड्स टू बी प्रेजेंट, ताकि ऑडिटर ये कंक्लूड कर सके कि प्री कंडीशंस फॉर द ऑडिट हैज बीन मेट। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये सारी प्री कंडीशंस मीट हो जाएगी, प्री कंडीशंस मीट हो जाएगी, उसके बाद ऑडिटर देगा एक एंगेजमेंट लेटर। व्हाट इज एन एंगेजमेंट लेटर? देखो लेमैन टर्म्स में बात करें तो एक तरीके से ये एक ऑफर है, राइट कि हम आपका जो ऑडिट है वो करना चाहेंगे, एक तरीके से ऐसे। सो इस एंगेजमेंट लेटर्स के जो कंटेंट्स होंगे वो क्या क्या कंटेंट्स होंगे, अपना एसए नंबर 210 विच इज अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये बताता है कि देयर बेसिकली 5 points जो कि एंगेजमेंट लेटर्स में कवर होने चाहिए। 5 points, ना ही ये लिस्ट इंक्लूसिव है ना ही ये लिस्ट एक्सक्लूसिव है, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है। सो इन पांच, वो पांच कौन कौन से मैटर्स होंगे, सबसे पहले तो देखते हैं कि वो पांच मैटर्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला मैटर होगा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। दूसरा मैटर होगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तीसरा होगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चौथा होगा आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर कुछ डिस्कशंस। पांचवा होगा फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट्स विच मे बी इशूड बाय द ऑडिटर। कोई भी रिपोर्ट जो ऑडिटर इशू कर सकता है उसकी कैसी फॉर्म होगी, कैसा कंटेंट होगा, वो सारी चीजें होंगी। सो देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि हमें बोला गया कि एंगेजमेंट पार्टनर आपको ऑडिट करना है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक है? तो इस केस में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आप ये बोलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे। स्कोप क्या क्या होगा? हम आपके प्रॉफिट एंड लॉस का ऑडिट करेंगे, हम आपकी बैलेंस शीट का ऑडिट करेंगे, हम आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे, हम आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का ऑडिट करेंगे। बेसिकली वह सारी चीजें एंड अदर स्टेटमेंट्स जो कुछ भी है, बेसिकली वो सारी चीजें विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम आपकी उन सभी चीजों का ऑडिट करेंगे। एंड ऑफकोर्स ऐसे जनरल टर्म्स में नहीं खत्म करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि हम किस पीरियड का भी ऑडिट करेंगे, करेंट ईयर का करेंगे, प्रीवियस ईयर का करेंगे, कौन सी ईयर का करेंगे, वो सारी चीजें भी हम बताएंगे। सो ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव के दायरे क्या होंगे, स्कोप क्या होगा, उस ऑब्जेक्टिव के दायरे होंगे कि हम आपके इस फाइनेंशियल ईयर के, लेट अस सपोज 19-20 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेंगे, विच शैल कंप्राइज ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली वो सारी चीजें बताएगा जो कि एक ऑडिटर को करनी है, उसके अंदर ऑडिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां बनेंगी वो सारी चीजें, ठीक है? और उसके अलावा वो बताएगा कि मैनेजमेंट आपके पार्ट पे क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और तो सारी सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी आइडेंटिफाई करेगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए कैसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, और वो एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ कंटेंट देगा ऑडिट रिपोर्ट का जो कि होना हो सकता है। एंड वो ये भी बताएगा कि अगर उसके स्कोप पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भी हुआ, उसका ये जो है एक्चुअल रिपोर्ट से वेरी कर सकता है। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं।
ये रहा। एज यू कैन सी ये क्या है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का एग्जाम्पल है। ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट है एज पर द कंपनीज एक्ट 1956। ये लेटर अथॉरिटेटिव नहीं है बट सिर्फ और सिर्फ एक गाइड की तरह से काम कर रहा है कि हाँ आपको ऐसा एक एंगेजमेंट लेटर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप एड्रेस करेंगे कि किसको दे रहे हैं, उसके बाद बताएंगे अपने ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और स्कोप। आप बोलेंगे यू, यू मतलब वो पर्सन, यू वी अस मैनेजमेंट दो चार्ज विद गवर्नेंस, तो सारे लोग जिनसे रिक्वेस्ट कर, जिन्होंने एंगेजमेंट पार्टनर को रिक्वेस्ट करा है कि आप हमारा ऑडिट करेंगे। सो यू हैव रिक्वेस्टेड दैट वी ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड विच कंप्राइज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2001 एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर देन एंडेड एंड अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन। We are pleased to confirm our acceptance and our understanding of this audit engagement by means of this letter. क्या कह रहा है वो, क्या अपना ऑब्जेक्टिव बता दिया उसने। जब ये बोला कि उसका बैलेंस शीट को ऑडिट करना है, पी एंड एल को ऑडिट करना है, कैश फ्लो को ऑडिट करना है फॉर द पीरियड देन एंडेड, उसने अपना स्कोप बता दिया, उसने ये बता दिया कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और उसने अपनी एक्सेप्टेंस भी दे दी। ठीक है, हमारा उसके अलावा भी कह रहा है कि हमारा क्या उद्देश्य होगा कि हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑब्जेक्ट ओपिनियन दे देंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस कर देंगे कि कैसा है, क्या सच है, क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, जो भी सिचुएशन है। उसके बाद आप देखेंगे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट दिए हैं हम उनका पालन करेंगे। ये स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि हम सभी एथिकल रिक्वायरमेंट्स का पालन करेंगे और ऑडिट को प्लान और परफॉर्म करेंगे ताकि हमें रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाए कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। एक ऑडिट के अंदर हमें वो सारी ऑडिट एविडेंस लेनी पड़ेगी जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर से लेन देन रखती है। जो प्रोसीजर्स सिलेक्ट करे जाएंगे ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे, ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। उसका मतलब क्या है, ऑडिटर को जो भी स्टेप प्रोसीजर लगाना हो वो प्रोसीजर लगाएगा, चाहे वो सैम्पलिंग लगाए एज पर SF 520 SF 530 या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाए एज पर SF 520 या वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करे या वो एक्सटर्नल पार्टी से कन्फर्मेशन करे, जो भी चीज है वो यूज करना चाहे। बेसिकली वो चाहे कैसे भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए, चाहे जिस तरीके से वो काम करना चाहे एज पर इस प्रोफेशनल जजमेंट वो वैसा काम करेगा। जिसके अंदर उसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी असेस करने पड़ेंगे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे असेस करता है, बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रैप करके वो बंदा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई असेस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, चाहे फ्रॉड की वजह से हो चाहे एरर की वजह से हो। एक ऑडिट के अंदर आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज की अप्रोप्रिएटनेस भी इवैल्यूएट करनी पड़ती है और आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की रीजनेबलनेस को भी देखना पड़ेगा। और तो और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओवरऑल प्रेजेंटेशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से भी और इंटरनल कंट्रोल के इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से भी एक अनअवॉइडेबल रिस्क है। हम कितनी भी मेहनत कर ले फिर भी ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, चाहे ऑडिट को हम प्रॉपरली प्लान कर ले और परफॉर्म कर ले, हम चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से काम कर ले, हो सकता है कि क्योंकि हमारे ऑडिट की भी कुछ लिमिटेशंस और कुछ आपके इंटरनल कंट्रोल्स की भी लिमिटेशंस होती है, इस वजह से हो सकता है कि हम चाहे कितने भी अच्छे तरीके से काम कर ले हम फिर भी कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रेडिक्ट या डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारी रिस्क असेसमेंट करते समय हम इंटरनल उन इंटरनल कंट्रोल्स का ध्यान देंगे जो कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय रेलेवेंट रहे हैं, और ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करते समय देखेंगे एज पर दी सर्कमस्टांसेस। बट हमारा जो काम है आपके एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन दिखाना नहीं है, आपके एंटिटी के हर तरीके के इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन देना नहीं है हमारा काम। हाउएवर हम आपको राइटिंग में कोई भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी अगर हुई इंटरनल कंट्रोल की विच आर रेलेवेंट टू द ऑडिट, हम वो डेफिशिएंसीज आपको कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट में जो भी हमें डेफिशिएंसी मिले इंटरनल कंट्रोल में हम वो कम्युनिकेट करेंगे, जरूर करेंगे और राइटिंग में करेंगे।
उसके बाद वो बताएगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सबसे पहली कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाएंगे। गोइंग कंसर्न बेसिस वगैरह सब AS1 बताता है कि डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स वगैरह कैसे करने हैं, एंड गोइंग कंसर्न की डिस्कशन ज्यादा SA 570 में करना चाहूंगा मैं। द रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन बोलता है कि मैनेजमेंट जो है आपकी अपनी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अपनी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, अपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वगैरह हर चीज के लिए, और जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो जो मटेरियल डिपार्चर हुए, मटेरियल डिपार्चर्स का मतलब बेसिकली वो हर चीज जिसकी वजह से आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बातों को नहीं फॉलो कर पाए। क्यों नहीं फॉलो कर पाए, क्योंकि अकाउंट्स जो है वो एक बेसिक प्रिंसिपल पे बना है दैट देयर शुड बी सब्सटेंस ओवर फॉर्म, स्थितियों को ज्यादा ध्यान देंगे जैसा बोला गया उनको, फिर भी एक साइड पे आप मद्देनजर ना दें तब भी चलेगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे चलते हैं अकाउंट्स के अंदर। सो इस वजह से आपने सब्सटेंस ओवर फॉर्म किस वजह से प्रेफर करा, अब वो रीजंस भी बताएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की कि वो देखे कि उनके एस्टिमेट्स रीजनेबल है और प्रूडेंट है। रीजनेबल मतलब जायज है, ऐसा नहीं है कि कम प्रॉफिट दिखाने के लिए आपने बोला कि मुझे तो पक्का गारंटी है मेरे सारे डेटर्स हर साल जीरो हो जाते हैं, बैड डेट्स हो जाते हैं। रीजनेबल होना चाहिए, आपके पास ट्रेंड वगैरह हर चीज के हिसाब से आपको रीजनेबली अपने एस्टिमेट्स बनाने हैं और कंजर्वेटिव तरीके से बनाने हैं। कंजर्वेटिव तरीका दैट इज प्रूडेंस। प्रूडेंस बेसिकली प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट फॉर ऑल पॉसिबल गेन्स, ताकि एक ट्रू एंड फेयर व्यू आ सके एंटिटी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का फाइनेंशियल ईयर के एंड पे और उस पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये तो पहली थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी आएगी इंटरनल कंट्रोल्स की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स पे। उसके अलावा वही सारी चीजें जो प्री कंडीशंस के लिए एग्जिस्टेंट होनी चाहिए, वही सारी चीजें आ जाती है कि सारी इंफॉर्मेशन देंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पीपल देंगे, वही सारी चीजें। फिर उसके बाद एज पार्ट ऑफ आवर ऑडिट प्रोसेस वी विल रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज ऑफ गवर्नेंस रिटर्न कंफर्मेशन कंसर्निंग रिप्रेजेंटेशंस मेड टू अस इन कनेक्शन विद द ऑडिट। कह रहा है कि इसके साथ हम रिटर्न कंफर्मेशंस भी ले सकते हैं आपसे, हम ये भी चाहते हैं, हम ये ऑल्सो विश टू इन्वाइट योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट आवर ऑडिट प्रोसीजर इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट टू बी कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट रिव्यूअर। द रिव्यूअर मे इंस्पेक्ट एग्जामिन और टेक एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आवर वर्किंग पेपर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीयर रिव्यू। कह रहा है कि हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा जो ऑडिट प्रोसेस है उसका पीयर रिव्यू भी हो सकता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ CA Act 1949। और ये जो पीयर रिव्यू है एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर करेगा, रिव्यूअर चाहे तो इंस्पेक्ट कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, या फिर हमारे वर्किंग पेपर से एब्स्ट्रैक्ट भी ले सकता है पीयर रिव्यू करने के दौरान। और उसके बाद वो बता देगा कि हम चाहते हैं कि हमारे स्टाफ के साथ आप फुल्ली कोऑपरेट करेंगे ऑडिट के दौरान। फिर सब बाकी को भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो दे देगा, बाकी इन्फॉर्मेशन देगा जैसे कि फी अरेंजमेंट्स, बिलिंग और बाकी स्पेसिफिक टर्म्स जैसा भी उसको ठीक लगे। फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट रेफरेंस देगा कि एक्सपेक्टेड फॉर्म कैसे हो सकती है, कंटेंट कैसे हो सकती है ऑडिट रिपोर्ट की। फिर उसके बाद वो ये बात भी बोलेगा दैट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आर रिपोर्ट मे नीड टू बी अमेंडेड इन द लाइट ऑफ आर ऑडिट फाइंडिंग्स। ऑडिट फाइंडिंग्स मतलब बेसिकली अगर आपने कोई घपला करा है तो ऐसा तो नहीं है कि घपला करने के बाद हम ये बोल देंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। हमारे पास एक स्टैंडर्ड है SA 705, हम उसके हिसाब से अपना ओपिनियन मॉडिफाई करके भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद बोलेंगे प्लीज साइन एंड रिटर्न द अटैच्ड कॉपी ऑफ दिस लेटर टू इंडिकेट योर एक्नॉलेजमेंट ऑफ एंड अग्रीमेंट विद द अरेंजमेंट्स फॉर आवर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग आवर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो कह रहे हैं कि प्लीज कृपया करके इस लेटर के साथ इस लेटर को साइन करके आप हमें भेज दें, एंड दैट इज द एंगेजमेंट लेटर। ये जो लेटर है आपका CA इंस्टीट्यूट का ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट Paper 6 की Volume 1 के अंदर आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है इसी की वेबसाइट पे। सो
टॉकिंग अबाउट एसए नंबर 210 अगेन। ये तो था आपका एंगेजमेंट लेटर का एग्जांपल, ताकि आपको ये सारी पांचों चीजों का एक आइडिया लग सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा तो है नहीं कि हर साल नया नया ऑडिटर आएगा, कभी पुराने ऑडिटर भी चलते हैं। जब पुराना ऑडिटर ही इस साल दोबारा ऑडिट कर रहा हो, उसे रेकरिंग ऑडिट कहते थे। जब रेकरिंग ऑडिट हो रहे होते हैं, तब ऑडिटर की इच्छा होती है, चाहे तो नया एंगेजमेंट लेटर ना दे, चलता है, ठीक है, या फिर बाकी रिटर्न अग्रीमेंट ना दे हर पीरियड के लिए। हाउएवर, कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, कभी कभी कोई सिचुएशन आ जाती है जब ऑडिटर को एक नया एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे 8 सिचुएशंस है एज सच जनरली, उसके अलावा भी नई सिचुएशंस अराइज हो सकती है। न्यू एंगेजमेंट लेटर इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट, इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट्स न्यू एंगेजमेंट लेटर, इन केस ऑफ न्यू एंगेजमेंट लेटर रिकरिंग ऑडिट्स के अंदर न्यू एंगेजमेंट लेटर देंगे तो 8 केसेस में देंगे। सबसे पहली बात, अगर कोई भी इंडिकेशन है कि देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जब कभी भी लग रहा है कि भाई थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव और स्कोप में, तो न्यू एंगेजमेंट लेटर दे देंगे। अगर आपके ऑडिट एंगेजमेंट में कोई भी रिवाइज्ड टर्म्स है तब दे देंगे, या फिर आपको लग रहा है कि सीनियर मैनेजमेंट में चेंज है तब नया एंगेजमेंट लेटर देंगे, अगर आपके ओनरशिप क्लाइंट के ओनरशिप में चेंज है तब देंगे, उसके लीगल फॉर्म में चेंज है तब देंगे, क्योंकि तब तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सपेक्टेड फॉर्म ही बदल जाएगा। आपके क्लाइंट के एंटिटी के नेचर या साइज में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इसमें भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का डिफरेंस आ जाता है। कोई भी लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंज आ जाए, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कोई भी चेंज आ जाए, या फिर किसी भी अदर रिपोर्टिंग मैटर्स के अंदर चेंज आ जाए। मिसअंडरस्टैंडिंग, भाई लगा था कि कैश फ्लो का ऑडिट नहीं होना क्या, बट कैश फ्लो इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मे बी ऑडिटर के पार्ट को कैश फ्लो लिखना भूल गया हो, सो एक और एंगेजमेंट लेटर देगा जिसमें उसे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा। रिविजन, सर अब आपको सिर्फ स्टार्ट ऑडिट नहीं करना, टैक्स ऑडिट भी कर लेना है, रिविजन इन द स्कोप ऑफ योर ऑडिट। सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हो गया, ओनरशिप में चेंज हो गया, नई क्लाइंट ही बेसिकली तरीके से नया बन गया, सो अगेन आप नए पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। लीगल फॉर्म में चेंज हो गया, पहले वो एक NBFC थी और वो एक बैंकिंग कंपनी बन गई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ही चेंज आ जाएगा। नेचर या साइज बदल गया, अपने शेड्यूल 3 के अंदर 2 डिविजन्स है, Division 1 Division 2, जो कंपनीज पे लगती है, 3rd Division NBFCs पे लगती है। ये दोनों जो है बताती है Division 1 जो AS है, Division 2 जो INDAS है। सिर्फ और सिर्फ जो क्राइटेरिया मीट कर जाएगा साइज का, उसके बेसिस पे आपकी एप्लीकेबिलिटी आएगी। लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आपका Schedule 3 रिवाइज हो गया, आपके प्रेजेंटेशन में चेंजेस आ गए, सो आप उनमें भी नया एंगेजमेंट लेटर देंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंजेस आ गए, या कोई भी मैटर एज अप्रोप्रिएट, सो आप अपने एंगेजमेंट लेटर को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, दैट इज आप एक न्यू एंगेजमेंट लेटर दे देंगे। कभी भी आपको लगे कि आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन आ गई, यू शुड नॉट एक्सेप्ट दैट एंगेजमेंट। जब कभी भी चेंज्ड एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, तब उस केस के अंदर आप एक नया लेटर देंगे ऑफ कोर्स, एंड उस नए लेटर में पिछली किसी भी एंगेजमेंट की बातें नहीं करेंगे। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक विच वी वर गोइंग टू डिस्कस टूडे। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम, एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, comment and share it among your friends, and also please subscribe to my channel for further videos. Thank you and have a nice day.